नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लोग एनसीईआरटी परिवार से जुड़े हुए हैं टेलीविज़न के माध्यम से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब के माध्यम से, तो चलिए त्यौहार तो हो गया, आप कुछ पढ़ाई लिखाई की बात कर लें। और आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो गणित के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। आज हम समझने वाले हैं लाइन्स और एंगल्स के बारे में, जो कि पार्ट 1 है। चलिए, इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आप देखें अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, इट्स 8800440559। यहाँ पर आप ज़रूर कॉल करें अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं इस टॉपिक को लेकर। इसके साथ साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं, dts.class9@cit.nic.in पर। यह है वो मेल आईडी जहां पर आप अपने प्रश्नों, अपने सुझावों को मेल भी कर सकते हैं। और कोशिश हम करेंगे कि उन प्रश्नों को हम लें और अपने एक्सपर्ट्स के साथ उनको साझा करें। बहुत ही मकबूल शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं जो तारुफ़े मोहताज नहीं हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिसेस बीना प्रकाश, जो कि सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स हैं, कैंपियन स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस प्रकाश। थैंक यू, धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने तो मेरा दिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात कह दी आपने तो, थैंक यू। देखिए, शिक्षक आई थिंक पूरे देश को आईना दिखाता है और भविष्य का निर्माण करता है, जो कि बच्चे पढ़ के आगे जाएंगे वो कहीं ना कहीं देश की सत्ता को अलग अलग विभागों में संभालेंगे। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं सभी शिक्षकों को इसमें कोट करूंगा, उनका जो योगदान है बहुत ही अतुलनीय रहा है, करंट प्रोस्पेक्टिव से भी और आगे भी। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं लाइन्स और एंगल्स के बारे में। ठीक, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को सही चीजें सही टाइम पे दें, जिससे वो आगे कितने भी लंबे रास्ते जाए वो उनको काम आए। बिल्कुल, ऐसी ही उम्मीद है। सबसे पहले हैप्पी मगर संक्रांति सबको, लोहड़ी, जो भी फेस्टिवल्स, आज इंडिया के सही कई कॉर्नर्स में फेस्टिवल्स मनाया जा रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, पर एक ही मकसद है सबका, चलो आज इस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाए। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। चलिए, इन्हीं अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ तो अब लाइंस और एंगल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला पार्ट है, थोड़ा सा एक ब्रीफ हो जाए मिस्टर प्रकाश, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। हमने लास्ट क्लास तक यूक्लिड ज्योमेट्री किया था, वेयर वी इंट्रोड्यूस सर्टेन टर्म्स। ज्योमेट्री करने के पहले कुछ टर्म्स की जरूरत थी, उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, दैट वी डिस्कस थ्रू एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, जो हमें यूक्लिड्स ने दिया था। तो इसके आगे हमें नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वी कंटिन्यू विद ज्योमेट्री पार्ट, हमें लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करना है। टू डिस्कस लाइंस एंड एंगल्स, ये पर्टिकुलर चैप्टर डिस्कस करने के लिए हमें कुछ कुछ टॉपिक वर्ड्स के डेफिनेशंस की जरूरत है। तो इसलिए फर्स्ट थिंग मैंने जो लिया है वो बेसिक टर्म्स, इट्स डेफिनेशन। तो बेसिक टर्म्स में जो आया है वो सबसे पहले हमारे पास आया है लाइंस। लाइंस जो है हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री के टाइम में डिफाइन किया था, लाइन joining two points, ये point है P, there are two points P and Q, this is P point and this is Q point, इसको join करते हुए एक line है, that is known as a line। ये arrow दोनों side दिखाता है कि it can be extended infinitely, आप इसको और आगे लेके जा सकते हैं, that's the definition of this arrow। The next one is line segment। लाइन सेगमेंट, इट्स अगेन अ लाइन जॉइन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, इट्स अ लेंथ, ये लाइन सेगमेंट से कनेक्ट होता है लेंथ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब द डिस्टेंस बोलेंगे तो हम व्हाट डिस्टेंस, दैट इज लास्ट टाइम बताया था मैंने कि लाइन को, टू पॉइंट्स को जॉइन करने का तरीका हम ऐसे भी जॉइन कर सकते हैं, दैट्स अ कर्व दैट वी हैव, इस कर्व से भी जॉइन कर सकते हैं, यू कैन जॉइन इट थ्रू दिस कर्व, इस तरह की कर्व से भी जॉइन कर सकते हैं, बट we look for the least distance, that's important in general, and that least distance is always a line which is joining the two points, so that's a line segment। next line se connected ek aur word hai, that is ray। ray means a line which starts from a source। aap log bachcho yaad hai sun's rays bolte apan, sun ka ray bolte, kyun bolte hai rays of sun, kyun ki bolte hai hum, kyunki source hai sun, sun is the source, वहां से आता हुआ and it goes on infinitely, जहां जहां तक हो सके वो जाता है, it moves infinitely, that is from this end it moves infinitely, ये end से infinite नहीं होगा इस तरफ, but it starts from L, that's a source we have, so we have a line which starts from a fixed point and extends infinitely, आप इसको extend कर सकते हैं, so these are the terms that is related to lines। next we have points, points था which is dimensionless, which has no magnitude, which has no direction, that was another definition।
Now here, if you have 3 points, more than two, मतलब I have taken 3 points. ठीक है, I'll take up this line. ये line ही ले लेते हैं, LM, ray ले लेती हूँ मैं. इसमें I am marking 3 points. एक L already है. I'll let me mark another point, X. So what do you find? L, X, M से एक line जा रही है. There's a line which passes through these 3 points. Then such line is known as such point. That is, if there are points which lie on a line, they are known as collinear points. That's the definition of collinear points. Next is non-collinear points. Ab ye non-collinear points kya hai? See, this is one point, ye dusra point hai, and this is a third point. Now, is it possible? Just see whether it is possible to make a line which is passing through all the three. Agar maine isko join karne ki koshish kiya, to the direction of the line, dekhiye, direction, line has a direction. This direction mein move kar rahe hai. Now, is it by any way mean, can you connect the third point? Aap bata sakte hai, Dharmesh ji, main is line ko teesre point se pass karwa sakti hoon kya? Jo hamara third point hai. Ye ek point hai A, ये पॉइंट है बी एंड ये पॉइंट है सी. इज इट पॉसिबल टू एक्सटेंड, अगर इसको किसी भी तरह से एक्सटेंड कर दे, विल दैट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू दिस पॉइंट? आई थिंक नहीं होना चाहिए, ये पास नहीं होना, बिल्कुल नहीं होगा. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल दैट यू कैन हैव अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, है ना. सो सच पॉइंट्स दैट वी कम अक्रॉस, दे आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ये अब क्या हुआ, non-collinear points there. A, B, C, they are non-collinear points. A, B, and C are non-collinear points. Okay? Whereas, non-collinear points. Whereas, L, X, M, L, X, M, they are collinear points. So, ye definitions clear ho gaye apne? Now we move on to the next, that is angle. Another term that we'll come across, angles. Ab ye angles hota hai kya hai? Angles actually is formed when initial points of two rays meets. That means hamare paas ray hai. Ray ka meaning malum hai aapko? Ray kya hai? It starts from a point. OA. OA ek ray hai, dikh raha hai aapko? O ka ek starting point, OA, starting point O, and it is going from, through A, it's going infinitely. वैसे ओ बी दूसरी एक रे दिख रही है अपने को, ये भी रे जो है इट इज मूविंग इनफाइनाइटली यहां से, बट दोनों रे इसमें क्या दिख रहा है आपको, दोनों रे एक ही जगह मीट कर रहा है. दैट इज ओ ए एंड ओ बी आर, दे मीट एट दिस पॉइंट ओ. व्हाट इज फॉर्म्ड, ये जो बनता है दैट इज नोन एज एन एंगल. दिस इज एन एंगल, ओके. एंड ओ ए एंड ओ बी आर द टू आर्म्स ऑफ दैट एंगल, इसको बोलते हैं हम आर्म्स. दिस इज वन आर्म, दिस इज अनदर आर्म. सो दीज टू आर्म्स मेक एन एंगल. इज दैट क्लियर? हाउ डू वी नेम दैट एंगल? द एंगल इज नेम्ड एज ए ओ बी. फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स? सो दिस ओ इज नोन एज, ओ इज वर्टेक्स दैट वी हैव, द कॉमन पॉइंट दैट वी हैव इज नोन एज द वर्टेक्स. जिस एंगल को आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो हमेशा हम बीच में लिखते हैं. कैन आई राइट दिस एज एंगल ओ ए बी? द डेफिनेशन हियर सेज दैट दे रिप्रेजेंट, दैट इज ओ ए, ओ ए एंड ओ बी आर आर्म्स. इज ओ ए एंड ओ बी, दैट इज सॉरी ए बी, आई एम सॉरी, इट इज AB, not OB. It is AB. OA and AB. Continuation में. OA and AB, they form the arms. ऐसा दिख रहा है क्या आपको? OA, AB arm दिख रहा है क्या? AB arm मतलब A से B की तरफ एक ray जा रही है. ऐसा दिख रहा है क्या यहाँ पे? दिख तो रहा है, लेकिन वो लाइन जब तक नहीं है तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि वहां पे वो बोलेंगे? ये दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो ये एंगल हमारा जो हम जिसको डिफाइन किया है एंगल, हमने मैंने इसको डिफाइन किया है एंगल. तो ये जरूरी है कि इट इज बिटवीन टू आर्म्स विच हैज अ कॉमन पॉइंट. ये याद रखना, यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट दिख रहा है ए, बट ए से हमको बी की तरफ कोई रे नहीं दिख रहा है.
हमें ओ से दो रेज दिख रहे, ओ ए एंड ओ बी दो रेज दिख रहे हैं ना, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि जिस एंगल को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि डू वी हैव रेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वो है हमें देखना. ओ से दिख रहा है हमें ए, ओ से ओ बी दिख रहा है, दीज आर द टू रेज दैट वी हैव, दे आर कॉल्ड एज एंगल आर्म्स, सो देयरफॉर वी हैव द एंगल ए. सो इट इज नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट. सो वॉट इज दैट एंगल दैट वी हैव, इट इज एंगल ए ओ बी. अब नाउ इज इट क्लियर? अब देखिए, ए ओ एक आर्म है, ओ बी दूसरा आर्म है, ए ओ एक आर्म है, ओ बी एक दूसरा आर्म है, नाउ दे डू फॉर्म द एंगल्स. सो दैट्स हाउ वी डिफाइन एन एंगल. तो ये एंगल के बारे में डेफिनेशन क्लियर हुआ यहां तक? तो खैर काफी हद तक. नाउ नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन देख देखते अपन. यहां पे मैंने कुछ बनाया है, यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है ओ से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है ना, ओ से ए की तरफ, ओ से बी की तरफ, सो ऑब्वियसली एक एंगल बन रहा है. कौन सा एंगल बन रहा है? यहां पे भी सेम नेम हो गया, लेबलिंग सेम हो गया, ए ओ बी, ए ओ बी. अब इस एंगल के ऊपर मैंने लिखा लेटर, स्मॉल लेटर ए लिखा है. ए इज द मेजर, सो वी मेजर दिस एंगल एंड दैट इज रिटन एज ए. द एंगल ए ओ बी इज मेजर, उसका कितना वैल्यू है, दैट इज ए. एंड दिस इज मेजर्ड इन डिग्रीज, सो वी पुट अ स्मॉल सर्कल ओवर इट, ऐसे छोटा सा एक सर्कल डालते हैं, तो दैट रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ दैट एंगल, यूनिट ऑफ दैट एंगल, डिग्री मेजर, ठीक है. सो अब इसमें आपको दिख रहा है एक डिफरेंस, ये ओ ए और ओ बी के बीच में, यहाँ पी क्यू और क्यू आर के बीच में कुछ दिख रहा है. हाउ डज इट लुक लाइक? दिस मेजर, दैट इज अगर हमने प्रोट्रैक्टर से मेजर किया तो द मेजर ऑफ दिस एंगल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. सो द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री. अब यहाँ पे जो मेजर दिख रहा है आपको, दिख रहा है इससे, इस वाले से, लाइक हियर इफ यू हैव, ऐसे ड्रॉ करेंगे, सो दिस लुक्स लाइक 90 डिग्री ना, दिस इज लुकिंग लाइक 90 डिग्री. तो ये जो मेजर से, ये एंगल का मेजर, ए का मेजर क्या दिख रहा है आपको, इजंट इट लेस देन 90 डिग्री? यस, दैट्स कमिंग आउट टू बी लेस देन 90 डिग्री. यस धर्मेंद्र जी, यस यस, मैंने हाँ ही बोला है. हाँ अच्छा, सुनाई नहीं दिया, सॉरी. तो दिस मेजर इज लेस देन 90 डिग्री. So, इसका मेजर 90 डिग्री से कम है, और यहां देखेंगे आप, यहां देखेंगे तो यहां आपको 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है. बट एक और मेजर से, दैट इज 180 डिग्री, अभी अभी आई विल डिस्कस अबाउट दैट, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, इससे कम दिख रहा है. सो दिस इज नोन एज एक्यूट एंगल, दैट्स अ टर्म दैट वी हैव, इट्स एन एंगल विच इज नोन एज एक्यूट एंगल. एंड 90 डिग्री है, दैट इज नोन एज राइट एंगल. These are the different terms that we use for measures of the angle. And this is known as obtuse angle. Angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree, it's known as obtuse angle. ठीक है? Now, एक और दिख रहा है, fourth वाला भी दिख रहा है अभी. We have fourth one. What do we find? ये जो angle है, the measure of it, यहां से शुरू होकर यहां तक, दिस मेजर, ये जो मेजर है यहां तक, दिस मेजर्स 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है. द मेजर दैट वी हैव, विल डिस्कस अबाउट इट, दिस इज 180 डिग्री. सो व्हाट वी फाइंड इज, ये जो मेजर आर है इस एंगल का, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये जो मेजर है, दिस इज आर विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल, that's known as reflex angle. So, इस तरह के we have little different, sorry, terms that we have. ये सब terms है अपने. Anyway, so we have different measures of an angle. Angles can be less than 90 degree, can be equal to 90 degree, can be greater than 90 degree but less than 180 degree, and greater than 180 but less than 360. इसको बोलते हैं reflex angle. ठीक है? Now, अगर मेरे पास दो एंगल्स हैं, इफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स, अगर मैंने दो एंगल्स को मिला के उसका मेजर 90 डिग्री के बराबर आया, देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दिस इज अनदर टर्म दैट वी हैव. एंड लाइकवाइज, इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री,
then they are said to be supplementary angles. ठीक है, so we'll come across these terms, इसलिए मैंने ये लिख के दिया है. Now we move on to the next term, that is adjacent angles. Now what are these adjacent angles? If there is a common arm and a vertex between two angles, there is a common arm and vertex between two angles. ये दो angle दिख रहा है अपने पास, हमारे पास दो angle दिख रहा है, angle AOB and angle BOC. AOB कौन सा angle है? AOB is which angle? AOB is angle AOB is having measure alpha and angle BOC measures beta. ठीक है, अब what are these two angles? They are two different angles. But what do you find? दोनों angles में आपको एक चीज common दिख रहा है, दोनों angles का vertex same है. Yes, this is the middle one, middle letter जो that will be used, that is representing the angle, अभी मैंने बताया था ना, and that is actually the vertex. तो दोनों का vertex same है कि नहीं? So vertex common है and दोनों में एक arm common है. देखिए, दिख रहा है एक arm common? There is one arm common. Right. Sorry. These are two. BOBO दिख रहा है ना common arm? ये arm common है कि नहीं? This is a arm which is common. So we have a arm common between two angles. ये दोनों angle के बीच का ये arm common है and a common vertex. So they are said to be adjacent angles. आ गया समझ में? So they are adjacent. एक अड़ोस पड़ोस. Neighborhood, adjacent, यही word use करते ना अपन. But यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि they should have common arm and vertex. ये बहुत important है. ठीक है? Now मैं एक चीज यहाँ पे पूछ रही हूँ आपसे. देखिए, एक angle यहाँ angle एक SQR है और एक angle है SQP. The question that I am asking is, are they adjacent? Are they adjacent? एक दूसरे, are they next to each other? Adjacent, next to each other. हमारा definition क्या था? Common arm. Common arm तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे. SQ एक common arm दिख रहा है. And common vertex. Common vertex भी मुझे दिख रहा है. Vertex Q common दिख रहा है. SQ common arm भी दिख रहा है. But do they form adjacent angles? They are not. Why? Why are they not? That is because the common arm jo hai apna, the common arm jo hai, the uncommon arms that we have, jo uncommon arms jo hai, because the uncommon arms should be opposite. That's the important thing that you have. Opposite to common arm. ऐसा लग रहा है क्या? एक common arm के ये बाकी जो uncommon arm जो है एक दूसरे के इसके opposite में है क्या? It is not. So that's the difference. ये जब difference है ना अपना पहला वाला, इसमें आपके पास OB जो है, OB is a common arm. ये common arm है ना? This is a common arm. This is common arm. और OA and OB क्या है? OC क्या है? This is uncommon. दिख रहा है आपको? मैम, last 4 minutes we have to wind up the session. Uncommon arm. ठीक है? So they are not on the opposite side, so they don't form a adjacent angles. Fine. Now next here we have is, if suppose two adjacent angles are supplementary, if they are supplementary to each other, that is two adjacent angles, that is A and B, supplementary kisko bola tha abhi, definition bataya tha humne, the angle add up to 180 degree. So we have A and B, dono ko add karke 180 degree laya hai. So if such pairs of angles that makes an 180 degree, they form linear pairs. ये जो है straight line बनता है. So the term linear, ये जो straight line जो word है, that is
linear, that is straight line. SQP is a straight line. SQP is a straight line. So we get that measure, that is they are known as linear pairs. ठीक है, अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में क्या है डेफिनेशन, जल्दी से अपन विल कंक्लूडेड. नाउ व्हेन टू लाइंस, आपके पास दो लाइंस है, किस तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं हमारे पास, एक ये है सिचुएशन और एक दूसरा ये सिचुएशन है. सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस सिचुएशन इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एंड दिस इज नोन एज पैरेलल लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस, दैट इज आप हर जगह इसका डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस विल ऑलवेज बी सेम. नाउ इसमें व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग अगेन वो वी फाइंड देर आर डिफरेंट एंगल्स इन इट. देखिए अलग अलग एंगल्स दिख रहा है, एक एंगल 1 दिख रहा है, एक उसके ऑपोजिट दिख रहा है 2, एक एंगल 3 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है. सो द पेयर्स दैट वी हैव 1 एंड 2, 3 एंड 4, दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. कब फॉर्म करते हैं, व्हेन द टू स्ट्रेट लाइंस दे इंटरसेक्ट ईच अदर. इसके बेस्ड एक थ्योरम है टेक्स्ट बुक का, दैट इज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो आपको क्या प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव क्या है आपके पास, यू हैव टू प्रूव द मेजर ऑफ एंगल 1 एंड मेजर ऑफ एंगल 2 आर इक्वल, ऑल्सो द मेजर ऑफ एंगल 3 एंड मेजर ऑफ एंगल 4 आर इक्वल. सो हाउ डू वी प्रूव इट, लेट्स टेक अप द प्रूफ. वॉट डू 1 एंड 3 फॉर्म, 1 एंड 3 क्या दिख रहा है आपको, सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है. 1 एंड 3 फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं, एंड लाइकवाइज 3 एंड 2 ऑल्सो दे फॉर्म्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, इजंट इट, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना 3 एंड 4 एओडी से. Yes. So what information do we have from here? 1 and 3 अगर linear pair है तो हमें क्या information मिलता है? Angle 1 and 3 together gives us 180 degree. Likewise, angle 3 and 2 also gives us 180 degree. So अभी याद आ रहा, last class में हमने Euclid's axiom किया था. Two quantities are same. So what we get is angle 1 plus angle 3 and angle 3 plus angle 2 are equal. This implies, now ek aur cheez ye aap kya, when equals are equal and you subtract something from it, maine subtract kar diya angle 3, what do you get from here, what is the conclusion that you get, angle 1 and angle 2 are equal. So what do they form, angle 1 and 2 they form pair of vertically opposite angles. Likewise, you can always prove that angle 3 and angle 4 are also equal. That's the first theorem that we have in our textbook. ठीक है? Now, जल्दी से एक quick question देख लेते हैं अपन problem solving. Can you identify this? What is this? Ma'am, we have last 1 minute. Quickly, you have to do this. Okay. जल्दी से. What is it? इसको बोलते हैं हम. Starting हो रहा है एक जगह से. It moving through a point. So, isn't it a ray? It's a रे. एंड यहां क्या डिफरेंस, यहां दिखा रहे हैं हम इस एंगल का मेजर दिखा रहे हैं, इस तरह का मेजर जो है दैट रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री. सो व्हाट इज इट, इट्स अ राइट एंगल. फाइन, नाउ इसमें यहां एंगल दिखा रहे हैं, तो ये कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम, इट इज द रिफ्लेक्स एंगल. नाउ फोर्थ वाले में आपको क्या दिख रहा है, दीज आर टू, अच्छा लाइंस को वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल लेटर्स, पॉइंट से भी कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एल एंड एम आर टू लाइंस, ये दोनों इंटरसेक्ट करता है एट दिस पॉइंट ओ. सो व्हाट डू दीज फॉर्म्स, 1 एंड 2 फॉर्म, व्हाट डू दे फॉर्म, 1 एंड 2 दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. हम ये टर्म यूज करेंगे काफी जगह पे अभी, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट दिस, ए एंड बी, ए एंड बी, if this is O, this is P, this is Q, and this is R, what are these angles representing? Do they not have a common arm? OQ, देखिए common arm दिख रहा है, and common vertex, and though uncommon arms, they are opposite side of OQ. So what do they form? A and B, they form adjacent angles. What are the angles that we have? They are adjacent angles.
नाउ व्हाट अबाउट दिस टू एंगल्स यू एंड बी. यूवी में भी आपको सेम चीज दिख रहा है. देखिए दे आर एडजेसेंट एंगल्स ए ओ बी सी. ए ओ बी वी इज एडजेसेंट टू यू. दोनों का मेजर कितना दिख रहा है आपको. U plus V comes out to be 180 degree. So what is that? It's a linear pair. They form a linear pair. Okay? Now ये question है कि मैम अब इस session को हम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास समय की बाध्यता है. अगले session की तरफ हमें जाना है. लेकिन जितना भी आज हमने यहाँ पर समझा वो अपने आप में बहुत ही कमाल की information थी. जिन्होंने इस session को miss किया वो NCERT official पर जाकर इससे दोबारा जुड़ सकते हैं, उस link को दोबारा देख सकते हैं और अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं. 9th और 10th के level के हिसाब से ये जो important चीज़ें हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही पेचीदा सी हैं. पेचीदा इसलिए क्योंकि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है. अगर यहाँ से आप इसको बहुत अच्छा बेस बना लेते हैं जो कि मिसेस प्रकाश ने इतने अच्छे अंदाज में, बहुत ही सरल अंदाज में, सहज अंदाज में आप सभी तक ये चीज़ें पहुँचाई हैं और आई बिलीव कि आपके अंदर जितनी भी डायलिमाज इस टॉपिक को लेकर होंगे वो कहीं ना कहीं दूर ज़रूर हुए होंगे. प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो ज़रूर आप प्रैक्टिस करते रहें. इस बीच धन्यवाद करना चाहूँगा बीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए दिया, इतनी महत्वपूर्ण बातें बताएं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है. आगे है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए. छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए मेरे साथ.